प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के नए परिसर महाकाल लोक का लोकार्पण कर दिया है। उज्जैन में चारों ओर जय महाकाल के उद्घोष की गूंज सुनाई दे रही है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रक्षा सूत्र यानी कि कलाबे से बनाए गए 15 फीट ऊंचे शिवलिंग की प्रतिकृति से पीएम मोदी ने रिमोट के जरिए जैसे ही आवरण हटाया, अध्यात्म का यह नया आंगन सभी भक्तों के लिए खुल गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल मंदिर में जाकर बाबा महाकाल के दर्शन किए और साष्टांग मत्था टेका। इसके बाद महाकाल को चंदन, मोगरे और गुलाब की माला अर्पित कर जनेऊ चढ़ाया है। सूखे मेवे और फल का भोग भी लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल के दक्षिण दिशा में बैठकर रुद्राक्ष की माला से 3 मिनट जप करते हुए ध्यान लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बाद में ई व्हीकल से महाकाल लोक परिसर का भ्रमण भी किया है। ई व्हीकल से कमल सरोवर, रुद्र सागर और सबसे बड़ी म्यूरल्स वॉल देखने पहुंचे। वहीं लोकार्पण के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता को संबोधित किया है। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा है और उनके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी सुनेंगे। ...2016 में जब सिंहस्थ हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी पधारे थे। उसके पहले उन्होंने मुझे कहा था कि सिंहस्थ में स्नान होते हैं, महाकाल भगवान की दर्शन पूजन होते हैं, लेकिन इससे भी आगे बढ़ के कुछ होना चाहिए। तब हमने विचार महाकुंभ किया। माननीय प्रधानमंत्री जी उसका समापन करने आए थे। 51 अमृत बिंदु निकले थे, उसमें से एक बिंदु यह था कि मनुष्य केवल भौतिकता से सुखी नहीं हो सकता, अध्यात्म भी चाहिए। कुछ ऐसा भी हो जिसे आज की पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को भारतीय सनातन सत्य संस्कृति संस्कार और जीवन मूल्यों का ज्ञान हो। वहीं से नींव पड़ी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से श्री महाकाल लोक की। उसी दिन नींव पड़ी थी। कई लोगों से विचार विमर्श करने के बाद उसका स्वरूप क्या हो यह तय हुआ। और 2018 में मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने इसको स्वीकृत किया, टेंडर जारी किए। बीच में 19-20 में थोड़ी सी रुकावट आई थी, लेकिन 20 के बाद फिर तेजी से काम प्रारंभ हुआ और आज श्री महाकाल लोक का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इस सेवा यज्ञ में लगे हुए हैं। साथ ही मैं मंदिर ट्रस्ट से जुड़े सभी लोगों का, संतों और विद्वानों का भी आदर पूर्वक धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से इस प्रयास को सफल किया है। साथियों, महाकाल की नगरी उज्जैन के बारे में हमारे यहां कहा गया है, प्रलयो न बाधते, प्रलयो न बाधते तत्र महाकालपुरी, अर्थात महाकाल की नगरी प्रलय के प्रहार से भी मुक्त है।